वेलकम बैक टू आवर द वीडियो। तो ऐसे यार आज हम लोग जो चलाने वाले हैं 12953 मुंबई सेंट्रल से हज़रत निज़ामुद्दीन तक जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस, मतलब कि अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। तो अभी हम लोग मुंबई सेंट्रल पे खड़े हैं, अभी हम लोग डिपार्ट करने वाले हैं। यार आज थोड़ा लैग कर रहा है, मतलब कि लैग कर रहा है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इस बार जो है ग्राफिक्स को अल्ट्रा में कर दिया है, इसके वजह से थोड़ा सा लैग कर रहा है। देख लो मुंबई सेंट्रल, ये राजधानी देखने में बहुत मस्त लगती है। और राजधानी यार मुझे तो एक बात तो पता नहीं चल रहा कि यार ये राजधानी है या फिर पैसेंजर, क्योंकि यार पैसेंजर ऐसा होता है कि यार सभी स्टेशन पे स्टॉप है। जब मैंने जो है इसके बारे में इंडियन रेल इंफो में देखा, तो मैंने तो देखा था कि यार बोरीवली पे स्टॉप है, वलसाड पे भी है, सूरत पे भी है, भरूच पे भी है और वडोदरा पे, मतलब कि मुंबई से सीधा वडोदरा भी स्कीम है। मुंबई से सीधा वडोदरा नॉन स्टॉप सिर्फ और सिर्फ स्टॉप ही है, मतलब कि ना कि कोई स्किप है। मतलब कि वडोदरा की बात तो रतलाम तक नॉन स्टॉप है, फिर रतलाम से कोटा तक जो Thank you.
ज़्यादा भीड़ है, देख लो क्या वहाँ पे। और यार अभी फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है कतर कतर और इक्वाडोर के बीच में, तो वो देख रहा था, उसके बीच में मैंने वीडियो बना दिया। और यार वीडियो थोड़ा लेट हो गया, अरे यार आधा घंटा लेट हो गया यार वलसाड पहुँचते पहुँचते। कोई बात नहीं यार, राजधानी तो यार लेट होती है। और राजधानी यार बोए वलसाड़ एक छोटा सा स्टेशन है जहाँ पे तो तेज तक नहीं होता था। सामने में ट्रैक चेंज आ रहा है यार, क्या क्या रहा है ट्रैक चेंज के लिए। और यार मैंने वैप्सन को यार पूरा टेस्ट करके, मतलब कि मुंबई से वडोदरा तक जो है नॉन स्टॉप वाला एक टेस्ट करके जो है मैंने देखा कि यार इस वैप्सन पे पावर बहुत है यार, 167 तक ये जा सकता है, 167 तक, मतलब कि यार उतनी स्पीड ही वो अटेन कर पाती है। मतलब यार गतिमान के लिए तो ये एक परफेक्ट लोको है शायद, मुझे तो ऐसा लगता है। तो यार 167 तक जाती है तो कोई बात नहीं, 170 तक जाती है एक बार। और सामने वो ट्रैक चेंज जा रहा है क्योंकि तो मैं स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। यार आज सारी के सारे ट्रैक्स खाली लग रहे हैं यार, मैं ट्रैफिक ऐड करने की बहुत सारी ट्रिक्स देखी है। और वहाँ पे जो है मैंने एक सिंपल सा ट्रिक लिया, वो था कि यार अपनी ग्राफिक्स को हाई या फिर अल्ट्रा में कर दो। मैंने अल्ट्रा पे कर दिया, नहीं कोई भी ग्राफिक कोई भी ट्रैफिक ही नहीं है यार, देख लो ये ट्रैक चेंज आगे यार 10 कोचेस इसके अंदर, क्योंकि यार इसके अंदर सिर्फ 10 कोचेस ही ऐड कर सकते हैं, 14 कोचेस ऐड करोगे तो यार बहुत मेहनत लगेगी। मतलब कि यार मेरे पास तो फ़ोन के अंदर तो से चढ़ गया। अबे 50 मिनट लेट हो गया यार, एक मिनट यार एक फ़ोटो लेते हो, एक बहुत अच्छा सीन है। अरे रे रे यार ये देखो सूरत, उसके सामने पिसा है ना। अरे यार कहाँ जा रहा है, ये वाला पोस्ट ठीक है कैप्चर करता हूँ, सेव करता हूँ, बिल्कुल सही ठीक है, चलो क्लोज करते हैं। और अगला स्टेशन है भरूच, भरूच ठीक है यार, 1 किलोमीटर ही है पिछली वीडियो की जैसे ही यार, एक बार ये मैं डिपार्ट तो कर यार वैप 7 की। यार मुझे तो ऐसा लगता है कि यार अपनी जो नॉर्मल वाली जो वैप 7 है उसको इससे ज़्यादा पावर है, क्योंकि यार ये धकेलने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है।
जो दुरंत एक्सप्रेस थी वो बहुत जल्दी 1:30 तक पहुँच जाती थी, लेकिन यार ये 1:30 पहुँचने में देर लग रही थी यार। इसके अंदर 1:30 का स्पीड लिमिट तो नहीं, 1:40 तक तो मिलेगा यार। यार इसके अंदर 1:50 नहीं 1:70 तक तो होता यार, मजा आ जाता 1:70 का, क्योंकि यार 1:70 तक होता तो यार गतिमान भी आसानी से चला सकता था। और यार जब ये ट्रेन नॉर्थन साइड से होकर गई ना 1:30 तो क्या कोई भी, मतलब ये 1:30 तो क्या मैं 1:40 तक चला होगा यार, मतलब कि वापस से सवा, मतलब कि नॉर्थन रेलवे में शायद, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है यार, मतलब कि पैसेंजर्स वगैरह वहाँ पर रुकते होंगे। तो यार ये ब्रिज वाले क्रॉसिंग भी देख लो 1:30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर आपको ये वाली अच्छी लगी, मतलब कि 1:30 किलोमीटर पर आवर अटेंड कर लेती है तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपको ये क्रॉसिंग भी अच्छी लगा तो लाइक करना। और यार ये राजधानी जब चल 1:30 की स्पीड से चलती है ना, अबे 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 यार स्टेशन सामने आ रहा है, मैं तो यार क्रॉसिंग पे ध्यान दे रहा था, देखो सामने दिख रहा है स्टेशन। यार कैसा लगा क्रॉसिंग कमेंट में ज़रूर बता लेना। तो 7 टैप 7 यार भर जंक्शन में क्यों यार, भर जंक्शन में तो एक सुपरफास्ट ट्रेन को भी स्टॉप नहीं है। अपनी जो भावनगर से कुचवेली तक जाने वाली जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस है उसको भी भरूच पे स्टॉप है, भरूच के अलावा अंकलेश्वर पे स्टॉप है, लेकिन इसको क्यों है यार। देखो भरूच जंक्शन, शायद भरूच के बाद ही वहाँ जाएगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यार खाली खाली सा लग रहा है, शायद इस ट्रेन में चढ़ने के लिए कोई नहीं है यार। भगवान देख रहे यार उस वाले प्लेटफॉर्म एक दो बंदे चल रहे हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है यार। मैंने जब दुरंतो एक्सप्रेस चली थी मथुरा पे टेक्निकल हॉल्ट लेते हुए, यार बहुत सारा भीड़ था यार, मतलब कि सुबह होते ही भीड़ चला लग जाता है। चलो एक बार रोक देते हैं क्या, अबे जल्दी से चढ़ जाए, एक घंटा लेट हो गया यार। देख लो 60 मिनट्स हो गया एक घंटा लेट, बिल्कुल एक घंटा लेट हो चुका है अपनी राजधानी एक्सप्रेस। यार एक बात बताऊँ कि राजधानी एक्सप्रेस कभी भी एक घंटा लेट चलती है यार। मेरी एक बात तो पक्की है कि मेरी वजह से ही ये ट्रेन भी लेट हो रही है। और थोड़ा को आगे बढ़ाया, गुजराती में भी लिखा है और यार इसके अंदर तो यार महाराष्ट्र के बारे में बताओ तो इसके अंदर जो है पुणे सोलापुर मुंबई और बोरीवली ये चारों ही ऐसे स्टेशन से जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टेशन में आप की जाए तो वो है गुजरात की, गुजरात के तो जैसा लगता है कि वलसाड सूरत भरूच वडोदरा आनंद अहमदाबाद दाहोद और गोधरा इतना सारा, अलग से नौ स्टेशन है टोटली गुजरात के लिए। कम सबसे कम स्टेशन की बात की जाए तो तमिलनाडु के लिए चेन्नई और अलगड़ दोनों ही है, शायद विजय वानियाबाड़ी भी है, हाँ वानियाबाड़ी भी है शायद, हाँ ये तीनों स्टेशन ही है। ऐसा भी हो सकता है कि आंध्र प्रदेश को ही है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना ऐसा भी हो सकता है। और यार वडोदरा पे जाने के लिए तो, और कश्मीर वाली रूट तो इसके अंदर ऐड हो चुकी है, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि यार कश्मीर वाली रूट से एक बार जरूर ट्रेन चलाऊँगा।
में तो फिर सारा का सारा का।